मुझे सब कुछ याद है, मैं इकलौती कैसे याद बच्ची है? थी। मैंने 5 साल की जी बच्ची को जी क्या याद हो सकता है, क्या हो मैं रहा है? इकलौती बेटी थी अपने बाप की, और मेरे बाप मुझसे हर बात करते थे। और शायद कहाँ थे अलग, आप हम लोग सितंबर में, सरगोधा में? सरगोधा भी थे। और वो जैसे अंकल अमजद ने कहा कि 9 स्क्वाड्रन कमांड करते थे, जो एलीट स्क्वाड्रन था F-104 स्टार फाइटर का। तो वो दिन हमें याद है। छोटी थी तो उस वक्त डर का कुछ समझ नहीं था, बस ये पता था कि हमारे एयरफोर्स जीतेंगे। ये 65 का, 71 में थोड़ा सा मुख्तलिफ था, बड़ी हो गई थी थोड़ी, और डर लगता था जब अटैक्स होते थे। मगर जब हमारे पायलट्स जाते थे तो हम जहाज़ गिनते थे, और जब वापस आते थे तो हम गिनते थे। और हम उस वक्त पेशावर में थे, और अबू मेरे कराची से लड़ रहे थे। F-104 उस वक्त मारीपोर कहलाता था, मसरूर बेस, वो वहाँ पे थे 71 वो में। तो याद तो बहुत कुछ है और फ़ख्र बहुत है, बट दिल भी खाली रह गया है। 71 में जब आपके वालिद गए सॉर्टी करने, जी, तो किस इलाके में गए थे? उनका लास्ट मिशन था जामनगर बेस पे, और सक्सेसफुल मिशन था। और मिशन के बाद जब वापस आ रहे थे तो इंटरसेप्ट हुए थे मिग से, और वहाँ पे उनकी शहादत हुई। ही वॉज़ हिट बाय मिसाइल जी, और अल्लाह की मर्ज़ी से उन्होंने बेल आउट किया, मगर इंडियन ओशन के ऊपर। और वो स्ट्रेच ऑफ ओशन जो है वो शार्क इन्फेस्टेड था, तो इंडियन नेवी जब तक वहाँ पहुँचे तो उनका नामो निशान नहीं था। तो कोई बाद में रब्ता हुआ आपका इंडियंस के साथ इस इंसिडेंट के बारे में? जी, इसी साल ईद के सुबह, मेरी ये बहुत बड़ी ईद हुई कि मैं कांटेक्ट में रही विंग कमांडर भारत सोनी से, जिन्होंने मेरे अबू को शूट डाउन किया था। और अब हम लोग एक दूसरे को लिखते हैं, वो मुझे बताते हैं क्या हुआ, और मैं उनको बताती हूँ हमारे साथ उस दिन 12 दिसंबर को क्या हुआ था। और उन्होंने कहा कि मेरे अबू पे उन्होंने बहुत रिसर्च की, और बहुत प्रेज़ करते हैं मेरे अबू को। और मैंने कहा अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ह्यूमन बीइंग किस किस्म के थे। तो अब मैं उनको वो बताती हूँ। और जंग के वक्त दुश्मन, जंग ख़त्म इंसानियत, बट कल को जंग दोबारा तो हम तैयार हैं। तो ये जो आपको एक कहा जाता है कि जिस तरह कि आपके नाम से हमें जाहिर होता है कि यू आर ए क्रिश्चियन, दैट्स राइट कैथोलिक क्रिश्चियन, जी। कभी आपको दुख हुआ किसी ने आपको इस तरीके से पुकारने की कोशिश की हो? देखिए, मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है और बरकरार है, मगर मेरी पहचान ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और ये कोई नहीं मुझसे ले सकता। ना मैं कभी इमिग्रेट करूँगी, ना मैं कभी किसी और पासपोर्ट के साथ घूमूंगी दुनिया में। मैं यहीं रहूँगी, और यह इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी हो तो मैं मरूंगी मैं अपनी किसी ने ज़मीन कभी पे। कहा स्कूल में कि आप ये मुल्क छोड़ दें? जी, जब मैं छोटी थी तो ये हुआ मेरे साथ। हम सरगोधा में थे, और मेरी खूब लड़ाई हुई किसी छोटे लड़के से स्कूल में, और कंप्लेन आया था, और अम्मी ने मुझे डांटा और कहा अब्बू आएंगे ना तो फिर देखना क्या होगा। अब्बू आए और नाराज़ थे, कहते यू यू ब्रॉट शेम टू मी। मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं, आप मेरी बात तो सुने। तो बताया उनको कि स्कूल में किसी छोटे बच्चे ने मुझे कहा कि आपका नाम अजीब है, और है थोड़ा सा अजीब, मिडिल कोट आसान नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप इस मुल्क को छोड़ दो। तो मैं छोटी थी और जज्बा ज़रा ज़्यादा ही था, तो मैंने पंच किया उनको, और फिर हमारी लड़ाई हुई। और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे अबू फौजी हैं, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैं घर आई तो अबू ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का झंडा दिखाया, और मुझे कहा कि ये जो ग्रीन हिस्सा है ना, उस बच्चे का नाम अली था जिससे लड़ाई हुई, ये अली के लिए और सारे मुसलमानों के लिए है, और ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये लेज़ली के लिए और मेरे लिए, अबू के लिए।
मगर उन्होंने मुझे कहा ये जो वाइट हिस्सा है ना ये पोल को पकड़ता है, और अगर आप और मैं इस पोल को छोड़ दें तो ग्रीन कैसे फ्लटर करेगा विंड में। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम कुछ हो को कहे आप बात करें मगर हाथ मत इस्तेमाल करना।